कैसा लग रहा है? अब बताओ कैसा लग रहा है? क्या हुआ? पानी पानी यहाँ देखो कहाँ है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस खाना हो गया है और अभी फिलहाल गाइस मतलब नाश्ता हो गया है और अभी फिलहाल गाइस टाइम हो रहा है 11 और हम निकल रहे हैं गाइस कॉलेज। कल बताया था कि क्या थे फॉर्म भरने के लिए, कॉलेज जमा करने के लिए, लेकिन हुआ नहीं था। अंतिम में गाइस हमको वापस आना पड़ा, टाइम खत्म हो गया, 4 बज गया था। 2 के बाद हमारा नंबर था लेकिन टाइम खत्म हो गया, जिसके कारण सर छोड़ दिए, बोले कल आने के लिए। तो इसीलिए आज अभी फिलहाल चल रहे, नहाए भी नहीं है, आएंगे उधर से तब नहाने के जाएंगे, क्योंकि साइकिल से चला करके जाएंगे। इतना धूप में देखे हवा कितना बह रहा है और धूप एकदम बहुत ज़्यादा धूप किया है, तो आने में पसीना हो जाएगा, मन सही नहीं लगेगा, इसीलिए चलते हैं आ करके नहाएंगे। तो गाइस फिलहाल हम मेन रोड में आ गए हैं और ये रास्ता गोड्डा जाने वाला रास्ता है, गोड्डा पीरपैती, और हमको तो बारकोप जाना है अपना कॉलेज। और आज का दिन देखिए कैसा रहता है, कितना भीड़ रहेगा कॉलेज में आज, क्या आज भी काम होगा कि नहीं। पिछले ब्लॉग में दिखाया था तो काम हो ही नहीं पाया था। अब देखिए कॉलेज जा कर ही पता चलेगा। ये रहा हमारा कॉलेज का मेन दरवाज़ा, कॉलेज तो हम पहुँच गए हैं। और ये देखिए आज साइकिल स्टैंड में बहुत कम साइकिल नज़र आ रहा है, लगता है आज भीड़ कम है। तो फाइनली गाइस कॉलेज पहुंच गए हैं, तो चलते फटाफट जमा देने के लिए। वैसे आज तो भीड़ बहुत कम होगा, कल की तरह भीड़ दिख भी नहीं रहा। ये देखिए प्योर खाली है, तो फटाफट चलते हैं जमा देते हैं। तो फाइनली गाइस काम हो गया हमारा, फॉर्म जमा हो गया और बोनाफाइड ले भी लिए। तो गाइस हम निकलते हैं घर, हम आए थे 11 बजे, फिलहाल टाइम हो गया गाइस 1। ये देखिए सब कुछ खाली हो गया, तो अब हम भी निकलते हैं फटाफट। सिर्फ यहाँ पर 2-3 ठो ही साइकिल है, एक हमारा है और कोई का होगा, हमारा अंतिम वाला। ये यहाँ पे फॉर्म रखे हुए हैं। अभी फ़िलहाल हम एक आइसक्रीम खरीद लिए हैं और यही खाते हुए चल रहे हैं। धूप काफ़ी ज़्यादा किया हुआ है और वो पानी प्याज भी लगा था, तो सोचे आइसक्रीम खाते खाते चलते हैं। वैसे आइसक्रीम हमको 5 टका में हो गया, बोतल लेंगे 15-20 टका हो गया, समझिए 10 रुपया बचाए ना। तो गाइज आज हमारे साथ पोपट हो गया, बोनाफाइड लेने के लिए हम लाइन में लगे हुए थे, आधा दूर था तब तक दूसरे सर आए, कहे कि दूसरे जगह मिल रहा है, तो सबको दूसरे जगह जाने लगा, जिसके कारण आगे वाला बच्चा पीछे चला गया, पीछे वाला आगे चला गया, जिसके कारण और लेट हो गया हमको। तो फाइनली गाइज घर पहुँच गए। ये देखिए बाल कितना उड़ी आ गया हमारा और फेस कितना, मतलब बहुत ज़्यादा धूप किया है, हवा भी काफ़ी तेज़ चल रहा है, इसके कारण बाल पूरा बिखर गया है। ये रफ़ फिलहाल चलते हैं गाइज हम नहाने के लिए, नहाए भी नहीं मॉर्निंग टाइम में, जैसे कि लोग बताए थे आते हैं नहा करके। तो फाइनली गाइस नहा धोवा के रेडी हो गए, अब मूड एकदम फ्रेश हो गया और कपड़ा वपड़ा पहन लिया और फिलहाल खाना खाने के लिए आएंगे इस किचन। ये देखिए हम लोग खाना भी निकाल लिए हैं, कटहल आलू का सब्जी, फटाफट खाते हैं। तो गाइस अभी फिलहाल दोपहर का 2 बज रहा है और ये देखिए गाइस हमारे सब्सक्राइबर और कुछ बच्चे सब आए हुए हैं जोरो चिप्स खाने के लिए। ये हुआ अंश, तुम लोग का क्या नाम है? शुभ देव। ये दोनों बच्चा का नाम शुभ और देव। तो फिलहाल अंश को जोरो चिप्स ट्राई कराते हैं। पहले क्या है तुम खाया जोरो चिप्स कभी? नहीं खाया, फर्स्ट टाइम? तुम्हारे दीदी भी फर्स्ट टाइम खाई थी, तुम्हारी मम्मी भी फर्स्ट टाइम खाई थी, और ये अंश भी आया खाने के लिए, वो भैया भाभी जो बता रहे थे ना उन्हीं का ये बेटा है। तो चलो स्टार्ट करो, डालो। हाँ हाँ, कोई उससे टुकड़ा खाओ, उत्ता वाला ले लिया यार। कैसा लग रहा है? क्या हुआ? एक लीटर कुरकुर उतना उतना खाएगा तुम लोग, तीतार बहुत ज़्यादा लगने लगा। लो इतना से तुम लोग, हाँ तो उतना नहीं, उतना उतना खा पाओगे? अच्छा ठीक है, देखो ज़्यादा तीतार लगने लगे बिक देना, ठीक है? कहाँ तीतार लगता है? इसको पैक कर दो, उतने तुम लोग पहले खाओ। कैसा लग रहा है? नहीं खाया था तुम? हम तीतार नहीं खाया था। वो हाथ में लेकर के रखे, तीखा लग रहा है? कैसा लग रहा है तुमको? तीतार नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है, चलो बढ़िया है। और खाएगा? चलो खाएगा। लो तुम ही लोग खत्म करो, एक मिनट रुकना रुकना, कहाँ उधर गिर गया, निकल। तीखा लग रहा है? तीखा लग रहा है, हल्का लग रहा है ना? लो थोड़ा सा तुम भी अब रहने दो, जो बचा इसको। अब अभी भी इसमें थोड़ा बहुत बचा है, शायद किसी को रुलाने के लिए, मतलब। अब बताओ कैसा लग रहा है? क्या हुआ? पानी पानी यहाँ देखो कहाँ है। तो गाइस अभी लग गया तीखा अंश को, अभी देखते पानी कैसे पी लिया, देखिए कैसे हंस रहा। अच्छा बहुत तीखा लगा है। तुमको भी तीखा लगा है? थोड़ा थोड़ा बहुत।
तो देखे ना गाइस अंश का क्या हाल है, बोल रहा तीखा नहीं लगे, दोबारा खाया। दिशा भी ऐसे दोबारा खाई थी तो उसको भी पानी प्यास लगे, मतलब बहुत ज़्यादा तीखा लगने लगा। इसको भी दोबारा तीखा लगी है, देखिए आंसू रोएगा नहीं ना। तुमको कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना? पानी पी लो, तुम पी लिया? वाह, अभी वो लोग धूप में जोलो चिप्स खाने के लिए हमारे घर आया है। थैंक यू तुम लोग को हमारे घर आने के लिए। और तुम लोग हमारा चैनल को जानते हो ना, इसको बता दो, मनीष कुमार मासो, नहीं मनीष मातो ब्लॉग, ठीक है, यूट्यूब पे देखना और सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक? हाँ कर दो, बाय दोस्तों। तो गाइस अभी फिलहाल शाम का 6 बज गया है लगभग, और अभी फिलहाल हम ये लहर पीट रहे थे। ये कल का लहर है, कल और परसों दो दिन का लहर है। अब लहर खेत में बचा नहीं है उतना, मतलब थोड़ा बहुत बचा है ना, इक्का दुक्का गाछ में जो रहा है, अब तो उसको काटने का बारी आ गया है। तो जो भी बचा है वो उसी को फिलहाल पीट लेते, वैसे सब पीटा उटा करके और उसको सूखने दे दिए, सब कोई रखा गया है उसमें, तो फिलहाल इसी को पीट दिए हैं, इसको समेट के रखते हैं। तो अभी फिलहाल इतने ही लहर निकला, इसको चलनी में रख दिए हैं, और इसमें कुछ लहर इसको बाद में करेंगे उधर भी, और इसमें सारा लहर को रखा गया है टॉप में, ये क्या बोलता है, साड़ी से करके रख दी। ये सब चूना उना सब एकदम फ्रेश लहर है, इसको थोड़ा बहुत धूप लगाना है, उसके बाद ऐसे रख देना है। तो फिलहाल चलते हैं नीचे। तो गाइस फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करते हैं, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट। जय हिंद।